क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एमसीसी सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में। काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एग्जाम दोबारा होना नहीं है, इन्हीं रैंक के साथ आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, रैंक रिजल्ट दोबारा आएगा, रैंक रिवाइज होगी। और मैं अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑल इंडिया लेवल पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी सभी कोर्स किस रैंक तक 2023 में मिले थे और अधिकतम किस रैंक तक 2024 में मिल सकते हैं। सीट मैट्रिक से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो राउंड वन के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ। डीम्ड में जो सीट था वो 9887 था और ऑल इंडिया कोटा 15% की बात करेंगे, वहाँ पे जो ओपन का सीट था वो 2939 था। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 723 था, ओबीसी की बात करेंगे तो 1955 था, एससी 1086 और एसटी में 542, ये सीट था। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% की बात हो रही है। पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो ओपन पीडब्ल्यूडी टोटल सीट 153, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 38, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 102, एससी पीडब्ल्यूडी 57, एसटी पीडब्ल्यूडी 29, ये आपका सीट हो गया। अब कट ऑफ क्या रहा था 2023 में, रैंक अकॉर्डिंग बात करेंगे क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग तो समझाया ही नहीं जा सकता है, रैंक अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ओपन की बात करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा लास्ट ईयर जो मैक्स रैंक थी 23674 तक मिला हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 25,000, ओबीसी अगेन 23,000, एससी 1,29,000 और एसटी 1,69,000 पे मिला था। हर साल एक रूटीन प्रोसेस है सीट बढ़ने का, इस साल भी काफ़ी सीट बढ़ने वाले हैं। एक अंदाज़ा आप समझ सकते हैं कि ये जो 23 है, हो सकता है ये 27 तक चला जाए, 25 है ये 29 तक चला जाए, ये ओबीसी का भी 27 तक चला जाए, एससी की बात करेंगे हो सकता है 1,50,000 तक चला जाए और एसटी की बात करेंगे तो हो सकता है 1,85,000 रैंक तक चला जाए। इतनी रैंक तक आप मान सकते हो इंक्रीमेंट। फिलहाल जो रैंक लिखी है वो तो 100% जानी ही जानी है और जितना मैंने बताया उतना बढ़ के भी जा सकता है, तो इतना आप मान सकते हैं। ये कट ऑफ संभावित है एमबीबीएस के लिए। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ध्यान से सुने, ईडब्ल्यूएस और ओपन में 146 और एससी एसटी ओबीसी 129 है, आप जस्ट क्वालिफाई है, 100% कॉलेज मिलेगा, किसी भी राज्य में मिले बट आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बात करते हैं एम्स के सीट मैट्रिक्स की और एम्स के 2023 के कट ऑफ की। तो जो ओपन का सीट है एम्स में 830 है, ईडब्ल्यूएस का 205 है, ओबीसी 556 है, एससी 308 है और एसटी 155, ये आपका सीट है। और एम्स में पीडब्ल्यूडी में बात करेंगे तो ओपन के लिए 44 सीट है, ईडब्ल्यूएस 12 सीट है, ओबीसी 28 सीट है, एससी के लिए 17 सीट है और एसटी के लिए आपका 7 सीट है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट राउंड का कट ऑफ है ये आपका, ये इस राउंड का कट ऑफ है। ये मैंने डबल डबल इसलिए लिख रखा है कि ये जो लास्ट राउंड आप ये देख रहे हैं जो 21,000 तक एम्स मिल गया था, इसका मतलब ये नहीं है कहीं अगर 5-6 बच्चे भी इस वीडियो को देख के रुक गए कि लास्ट तक रुके रहे हमको एम्स मिल जाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। ये एक दो सीट खाली होती हैं तो इसलिए मैंने उसके प्री राउंड का भी लिख रखा है। हाँ, 16,000 की बात को तब भी माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स 10 सीट के आसपास आपको बैकेंड मिल जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे सोच लेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का सीट पहले फिनिश हो गया था 8472 पे, ओबीसी की बात करेंगे तो 18,000 मानिएगा और लास्ट राउंड में 23,000 पे मिल गया था, एससी की बात करेंगे तो 45,000 और एसटी को एम्स 1,59,000 पे मिला था। जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, अगर आपका स्कोर जनरल की बात करेंगे तो कम से कम 400 प्लस होना ही चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस में आप 350 मान लीजिए, ओबीसी में भी आप इसके आसपास मान के चलिएगा आज की डेट में, एससी एसटी में आप 200 नंबर तक मान लीजिए कि 100% आपको एम्स मिल जाएगा दिव्यांग कैटेगरी में। तो अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑल इंडिया कोटा और एम्स एमबीबीएस के लिए। अब बात करते हैं भैया बीडीएस कहाँ तक मिलेगा, रैंक के अनुसार समझिएगा। बीडीएस ओपन
74,000 तक मिला था, ओबीसी 84,000 तक मिला था, ईडब्ल्यूएस 98,000 तक मिला था, एससी को 2,37,000 तक मिला था और एसटी को 3,76,000 में मिला था। 2024 में कहाँ पे मिलेगा? तो माना कि बीडीएस का सीट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, पर जो एमबीबीएस का सीट बढ़ रहा है उसका प्रभाव यहाँ पे भी पड़ेगा। तो ओपन में अगर आपकी रैंक 95,000 तक है, काउंसलिंग ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 95,000 मिल जाएगा, काउंसलिंग ज़रूर करें। यहाँ पे भी आप 1,00,000 तक, यहाँ पे आप 1,10,000 तक ज़रूर काउंसलिंग ज्वाइन करें। एससी की बात करेंगे तो 2,70,000 तक काउंसलिंग ज़रूर करें और एसटी में 4,20,000 के आसपास तक काउंसलिंग ज़रूर करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा इतनी रैंक पर, इतना तो मान के चलिए कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये 95 ना सही तो 90 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ये केवल अंदाज़ा है। काउंसलिंग इस रैंक तक, इसके बाद भी है तब भी आप करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी रैंक है तो काउंसलिंग ज़रूर करिएगा। ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये 2023 का बिल्कुल सही कट ऑफ है, लास्ट राउंड का। इससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हैं इतना रैंक आपका है तो आपको मिलेगा। बात करेंगे वेटनरी की, गवर्नमेंट ओपन 1,28,000 पे मिला था, ओबीसी 1,50,000, ईडब्ल्यूएस 2,00,000, एससी 2,40,000, एसटी 2,92,000। रैंक बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा आप। ओपन में हो सकता है इस बार 1,50,000 तक मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे 1,70,000 तक मिल जाए, तो रैंक बढ़ा बढ़ा के आप थोड़ा सा देख सकते हैं। प्राइवेट में ओपन में 3,52,000, ओबीसी 5,00,000, ईडब्ल्यूएस 6,00,000, एससी 6,00,000, एसटी 8,00,000। काउंसलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं बेहतर काउंसलिंग के लिए। वीडियो देख के भी आप अपनी काउंसलिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग आयु स्कोर्स की। आप सभी लोग जानते हैं जो काउंसलिंग होती है वो डबल ए ट्रिपल सी जो संस्था है वो काउंसलिंग कराती है। लास्ट कट ऑफ आपको बता रहे हैं तो बीएमएस ओपन में मिला था 88,000 तक, ओबीसी 90,000, ईडब्ल्यूएस 92,000, एससी 2,36,000, एसटी 3,10,000। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, 1,00,000 रैंक तक काउंसलिंग ज़रूर करें। ओबीसी और ओपन ईडब्ल्यूएस में 1,10,000 तक भी काउंसलिंग करें, एससी में कम से कम 2,70,000 तक, एसटी में 3,50,000 तक काउंसलिंग ज़रूर करें। ये होम्योपैथी गवर्नमेंट, ध्यान देना एडिट को मैंने शामिल नहीं किया, ये आपका होम्योपैथी का कट ऑफ है रैंक के अकॉर्डिंग। और भी आप इसमें रैंक बढ़ा लें, 2,00,000 रैंक तक भी आप यहाँ पे 2,20,000 तक और यहाँ पे 2,00,000 तक काउंसलिंग ज़रूर करें। ये आपका कट ऑफ हो गया सभी कोर्स के लिए, 2023 का रियल कट ऑफ है। इसमें आप रैंक बढ़ा बढ़ा के हर जगह 10-20,000 का मार्जिन आना ही आना है, क्योंकि सीट हर साल बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ते हैं? एमबीबीएस में, पर उसका फ़र्क पूरे पे पड़ता है। तो ये जो आपका कट ऑफ है आप देख सकते हैं, मैं आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्स, बीबीएससी सब के बारे में बताया हूँ। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काउंसलिंग में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है।